हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंट्रो सेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि सीपीएम चैप्टर का सीपीएम सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है इन डिफरेंट एग्जाम्स लाइक गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें इसमें आपको स्पेशल ध्यान देना है, और कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे रिलेटिवली कम क्वेश्चन आए हैं हिस्टोरिकली। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले दिस आर द 9 चैप्टर्स जो इस सब्जेक्ट में आपको देखने होते हैं, जिसमें से इफ़ यू ऑब्जर्व तो ये शुरू के जो 8 हैं दिस आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स। स्मॉल चैप्टर्स मतलब कि कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, एक टिपिकल चैप्टर जितना बड़ा होता है, सीपीएम के चैप्टर्स थोड़े छोटे होते हैं, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी थ्योरी है और न्यूमेरिकल्स भी है। तो आपको इसको सेगमेंट कर लेना चाहिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शुड बी अ डिफरेंट पार्ट, और जो शुरू के 8 चैप्टर्स हैं दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो क्योंकि सीपीएम जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसे आप सेगमेंट करके पढ़ेंगे तो आपको याद होंगी चीज़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी इक्विपमेंट्स वगैरह याद रखने हैं। बचे हुए जो चैप्टर्स हैं इनमें से कुछ चैप्टर्स जैसे कि क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट, क्रैशिंग, इन चैप्टर्स से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं वो रिलेटिवली कम एक्सप्लोर्ड हैं। तो सपोज जैसे कि हम लोग रेलवे पढ़ते हैं, रेलवे में चैप्टर्स बहुत हैं, लेकिन रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, अगर आपने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ लिया तो आपने 60% ऑफ रेलवेज कंप्लीट कर लिया। इन द सेम वे ये जो 3 चैप्टर हैं ये इसके सारे मतलब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और गिवन द अनप्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ रीसेंट एग्जामिनेशंस तो किसी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट अस सी, जनरली 10 से 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं इन 10 से 15 मार्क्स के ईएसी प्रीलिम्स में, और ये एवरेज फिगर है। एक और इसमें अच्छी बात है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक चैप्टर एक सब्जेक्ट हम लोग जीएस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ सिलेबस उसका और इसका सेम है। ठीक है, तो जीएस के पेपर 1 में भी ऐसा देखा जाता है कि 1-2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट से आ जाते हैं। अच्छा, गेट में ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं गेट में, और मोस्टली वो नेटवर्क बेस्ड होते हैं कि टोटल टाइम कितना है ये निकालो, टी एक्सपेक्टेड निकालो, या फिर क्रिटिकल पाथ निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन। मेंस में 20-30 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं पेपर में, क्योंकि मेंस में काफ़ी हेविली लोडेड होता है पेपर 1 इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी। तो अगर आपको किसी पार्ट में 20 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, सपोज फ्लोट निकालने का, इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट निकालने का, तो वो क्वेश्चंस 20 नंबर के होते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें बनाने में हार्डली 10 मिनट टाइम लगता है, कंपेयर टू 20 नंबर का एक सपोज आपका स्लैब डिज़ाइन है या एक फुटिंग डिज़ाइन है, तो आपको वो 20 नंबर लाने में 20 मिनट भी लग जाता है, 25 मिनट भी लग जाता है कभी कभी ट्रस के क्वेश्चंस में, लेकिन ये जो है आपको वो 20 नंबर कम टाइम में दे देता है। तो ये एक एडवांटेज है सीपीएम पढ़ने का। इन द सेम वे प्रीलिम्स में भी कंस्ट्रक्शन एक नेटवर्क दे रखा है और आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है और काफ़ी फास्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसके क्वेश्चंस जनरली अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन द सब्जेक्ट। लेट अस सी द वेरियस चैप्टर्स। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन चैप्टर इज बेसिक एलिमेंट्री चैप्टर्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, और इसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट पे थ्योरीज आता है कि क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब आपको देखना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको साथ में याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, अगला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ एओए नेटवर्क। ठीक है, एओए नेटवर्क जो है ये यूज़ किया जाता है, नेटवर्क जो है वो यूज़ किया जाता है प्लानिंग शेड्यूलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट चैप्टर में आपको बार चार्ट वगैरह देखा जाए वो सिंपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में नेटवर्क डायग्राम यूज़ किया जाता है। तो ये भी चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। रेटिंग मैंने यहाँ पे 3 दे रखा है, रेटिंग 1 से 5 है, 5 बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 1 बीइंग द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स देखना होगा इस चैप्टर में, एक्टिविटी, इवेंट्स, डमीज और एरर्स जो हम लोग नेटवर्क बनाने में करते हैं, ये आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा।
इसके अलावा अगला चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वेरियस एग्जामिनेशन में, CPM। आगे देखेंगे हम लोग पर्ट। ये दो चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, CPM जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जनरली जो रिपीटेड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है जिसमें हमें पता होता है कि कितने दिन में काम हो जाएगा, उसके लिए CPM यूज़ किया जाता है। इसमें की कॉन्सेप्ट है टाइम एस्टिमेट्स ऑफ एन एक्टिविटी, फ्लोट्स पे काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल आता है मेंस में जो मैंने बताया, जो काफ़ी कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। उसके बाद फ्लोट्स पे जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी काफ़ी आ सकता है, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, काफ़ी एक मिक्स है, ये मिक्स बैग है कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट का और न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज गेट। उसी तरह हमारा अगला चैप्टर है पर्ट। पर्ट भी एक 5 रेटिंग का चैप्टर है। पर्ट में क्या है कि ये भी बोथ कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, ठीक है। और ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें हमें टाइम पता नहीं है, मतलब एक फ्रेश प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, जिसमें हमें पता नहीं है कि कितने दिन में सॉल्व होगा, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ये सब का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व फॉलो कर रहा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का, इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपको टी ऑप्टिमिस्टिक, टी पेसिमिस्टिक, टी मोस्ट लाइकली दे रखा है, तो आप वहाँ से टी एक्सपेक्टेड निकालोगे टी, और फिर क्वेश्चन पूछा रहेगा, सपोज टी आया 20 दिन, तो आपको टी एक्स पूछा जाएगा कि बताओ 18 दिन में या 25 दिन में, 22 दिन में ये कंप्लीट होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज दे रखे होंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है ये, लेकिन काफ़ी पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्रैशिंग। क्रैशिंग जो है वो रिलेटिवली कम एक्सप्लोर हुआ है, लेकिन क्रैशिंग जो है देखा जाए तो अगर पर्ट CPM से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर चांसेस है कि क्रैशिंग से आएगा, ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अच्छा, काफ़ी स्कोरिंग होता है मेंस के लिए भी और गेट के लिए भी, ठीक है, क्योंकि मेंस और गेट में क्या होता है कि आपके पास टाइम होता है। टाइम इज नॉट अ बिग इशू इन गेट, हालांकि मेंस में भी टाइम इज अ बिग इशू, लेकिन क्या होता है कि कंपेयर्ड टू अदर क्वेश्चंस जो आपके पेपर वन में है, क्रैशिंग आप फास्ट बना लोगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्रैशिंग के क्वेश्चन से इन जनरल CPM पर्ट के क्वेश्चन जो मेंस के पेपर वन में होते हैं वो बच्चे अटेम्प्ट करके ही आते हैं, क्योंकि वो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे देता है। अच्छा, प्रीलिम्स में क्रैशिंग का क्वेश्चन बनाना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि क्रैशिंग कभी कभी दो स्टेप में हो जाता है, कभी कभी तीन स्टेप में हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी लगता है। तो प्रीलिम्स में एक तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जगह कम होता है, दूसरा टाइम। कभी कभी अगर आपको मेंस में प्रीलिम्स में जहाँ पे 150 क्वेश्चन है, अगर आपको तीन स्टेप का क्रैशिंग करना पड़ गया तो आप दो और क्वेश्चन जो बना पाते हो उस टाइम में आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो क्रैशिंग थोड़ा इस मामले में रिस्की है प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करना, लेकिन अगर बाय द वे आपको दिख रहा है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है तो उसको बना लेना है। इसमें भी की कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के होते हैं, और इसमें क्रैशिंग कैसे करते हैं, मेथडोलॉजी क्या है, वो आपको देखना होता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं एक्टिविटी ओवर नोड पे। एक्टिविटी ओवर नोड जो है ये काफ़ी कम एक्सप्लोर्ड चैप्टर है, इसमें कम क्वेश्चंस आते हैं और जनरली नॉट आस्ट, और थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है कि थ्योरी में, क्योंकि एडवांटेजेस हैं AON के, ज़्यादा एडवांटेजेस है AOA से, तो AON के एडवांटेजेस क्या है, क्या है ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ये सब आ जाता है। अच्छा, नेटवर्क डायग्राम इसमें, इस चैप्टर में देखना होता है कि नेटवर्क डायग्राम कैसा होता है AON का, इस टाइप से बनता है ये, थोड़ा अलग होता है, इसमें डमीज यूज़ नहीं होते, सबसे बड़ी बात। अच्छा, AOA से AON का कन्वर्जन या AON से AOA का कन्वर्जन, ये इस चैप्टर में समझना होता है। अच्छा, उसके बाद आता है रिसोर्स अपडेशन एंड एलोकेशन। ये भी अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ मतलब लेस एक्सप्लोर्ड चैप्टर्स, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं अचानक से, लेकिन अभी तक ये कम एक्सप्लोर हुए हैं। तो इसमें भी थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं कि रिसोर्स लेवलिंग क्या होता है, रिसोर्स पूलिंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल बनता है रिसोर्स अपडेशन पे कि सपोज कोई प्रोजेक्ट है तो ये ख़त्म होना था आपका इतने टाइम में, अभी सपोज 10 दिन में ख़त्म होना था, अभी 6 दिन हो गया, लेकिन अभी कोई काम नहीं हो पाया, तो अब अपडेट कीजिए बचे हुए प्रोजेक्ट्स को, आप टाइम अपडेट कीजिए कि अच्छा पहले 10 में होना था लेकिन अब शायद और टाइम लग जाए, या फिर अब हो सकता है जल्दी हो जाए। तो ये जो रिसोर्स अपडेशन है
इस पे न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है। अगर आपने एक या दो का भी प्रैक्टिस कर लिया है तो आप इसके सारे ही बना दोगे, लेकिन वही है कि अभी तक आया कम है, ठीक है। बट वी हैव टू डू अ साउंड प्रिपरेशन, तो इसके आपको जो एक दो क्वेश्चंस दिखेंगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है इंजीनियरिंग इकोनॉमी। इंजीनियरिंग इकोनॉमी भी काफ़ी कम एक्सप्लोर्ड है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी जो है प्रीलिम्स में जनरली आई एडवाइस, या फिर मैं इसे खुद पे भी अप्लीकेबल रखता था कि आई डोंट सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमी इन प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन समझ गए, आपने उसमें थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला आपको दिमाग से आपने प्रोसेस करके फॉर्मूला लिखा, उसमें आपने थोड़ा टाइम दिया, फिर फॉर्मूला का जो एंड आया कैलकुलेशन वो कुछ ऐसा आया 1.15 to the power 18, ठीक है। और फिर जो चार ऑप्शन है चारों में आप कन्फ्यूज्ड हो, क्योंकि ये आप रियल टाइम में एग्जाम में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इंजीनियरिंग इकोनॉमी भी थोड़ा सा प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन मेंस में क्योंकि आपके पास यू हैव द पावर ऑफ कैलकुलेटर, तो मेंस में आप इसे बहुत अच्छे से इस सारे सवाल इसके बना सकते हो, ठीक है। मेंस में भी कम पूछा जाता है, बट जो भी आता है वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। इन जनरल भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें एक आपको वो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना, ठीक है, ये आप इसे रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मेंस में इस पे क्वेश्चन आए तो आप 100% इसे सही बना सकते हो। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कैश फ्लो डायग्राम। कैश फ्लो डायग्राम मतलब कि अभी कुछ अमाउंट है तो अभी से 20 साल बाद वो क्या बन जाएगा, या 20 साल बाद अगर कोई आपको बैंक इतना पैसा दे रहा है तो उसकी अभी क्या वैल्यू है, सब कन्वर्ट करना। या फिर आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो वो इन दी एंड कितना अमाउंट बन रहा है प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, मतलब पैसे को आप कन्वर्ट करना कैश फ्लो डायग्राम में सीख रहे हो। दूसरा होता है कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज आपको एक मशीन खरीद के 6 साल यूज़ करके आपको स्क्रैप वैल्यू में बेच देना चाहिए, या आपको एक मशीन 6 साल के लिए रेंट पे लेना चाहिए, कौन सा इकोनॉमिकली वायबल है, ये चीज़ें डिसाइड करना। फिर डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस चैप्टर में ये सब है। मतलब लास्ट चैप्टर जो मैंने कहा कि ये बाकी आठों से अलग है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 120 प्लस क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीलिम्स में। पर आप देखोगे कि ये मैक्सिमम रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है। सम टॉपिक्स आर मोर फेवर्ड कंपेयर टू अदर, ठीक है। मेंस में भी यही हाल है, मेंस में भी क्वेश्चंस जनरली हर साल ही आता है एक, ठीक है, लेकिन रिपीटेटिव होता है। इंपॉर्टेंट फॉर मेंस थ्योरी एंड डायग्राम्स हैव टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। इसमें जैसे क्रेन का डायग्राम हो गया, आपका ड्रैग लाइंस का डायग्राम हो गया, तो ये सब डायग्राम आपको याद रखना है। और आप एक बार उसे लाइन डायग्राम याद रखना होता है, एक्चुअल 3D नहीं बनाना होता, लाइन डायग्राम आप याद रखो तो मेंस का पेपर में एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। अच्छा, इसमें फंडामेंटल ऑफ इक्विपमेंट जो है, दिस इज अ न्यूमेरिकल पार्ट। इसमें आपको रोलिंग रेजिस्टेंस वगैरह देखना होता है, रिम पुल, ड्रॉबार पुल, ये सब समझना होता है। उसके बाद एक टेम्परेचर और प्रेशर का क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड, वो भी फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। उसके अलावा एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स हो गए, लोडिंग इक्विपमेंट्स हो गए, हॉइस्टिंग, कॉन्क्रीटिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये आपको स्टेजेस में पढ़ पढ़ के याद रखना होता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आप इसे अगर एंड के लिए छोड़ दोगे तो आप इसे नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपने इसे बहुत जल्दी पढ़ लिया तो फिर आप रिवाइज नहीं करो तो आप तब भी भूल जाओगे, ठीक है। तो इसे काफ़ी मतलब समझदारी से पढ़ना होता है इसे भी, और पैरेलली आपको BMC भी याद रखना है इन पेपर वन। तो ये दोनों मिलके अच्छा थ्योरी बन जाता है। तो BMC और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो चैप्टर है उसे आप रेगुलर शेड्यूल करो कि मैं हफ्ते में एक बार दो घंटे 3 घंटे के लिए रिवाइज करूँगा, ठीक है। इससे क्या होता है, और इनके आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। शॉर्ट नोट्स इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये पूरा बुक है। BMC के आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वो खुद ही एक अलग बुक बन जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें आप मार्कर से बुक में ही मार्क कर सकते हो, या फिर अपने नोट्स में ही मार्क कर सकते हो जो आपके पास नोट्स है। नोट्स वीडियो लेक्चर से बनाना इज मोर फीजिबल एंड मोर नेसेसरी, क्योंकि जो आपने नोट्स बनाया आप उतना पोर्शन पूरा याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपने बनाया है। इफ़ यू गो फॉर सम स्टैंडर्ड बुक, तो बुक में बहुत सारा डिटेल होता है, तो बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में आप मैक्सिमम चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि यू मेक योर ओन नोट्स, और जो चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना चाहोगे दैट इज़ बेटर। जो CPM के उस पहले के 8 चैप्टर्स हैं उसके अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो हार्डली 4 पेज में या 5 पेज में पूरा ही शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आपको डायरेक्ट जो आपने अपना नोट्स बनाया है उसी में आप मार्क कर लो, ताकि आप उसे लास्ट में फास्ट रिवाइज कर सको।
ठीक है, तो इसी के साथ आई वुड सजेस्ट यू टू कंटिन्यू विथ योर लेक्चर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. आई होप यू एंजॉय इट एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.